डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चाप के अवकलज के लिए हमने कार्तीय रूप पढ़ा था। वहाँ पर कार्तीय रूप का मतलब होगा कि जब हमारा जो वक्र है वो कार्तीय रूप में दिया गया वहाँ पर, और वक्र के समीकरण आप जानते हो, मैंने चर्चा की थी उस समय कि हम कार्तीय रूप पढ़ सकते हैं, ध्रुवीय रूप पढ़ सकते हैं, और हम एक प्राचालिक रूप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें से किसी भी रूप में यदि हमें वक्र का समीकरण यदि दिया गया हो तो उसी के अनुरूप ही हम चाप का अवकलज प्राप्त करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ध्रुवीय रूप, कि यदि हमारे पास जब वक्र का समीकरण, कि जैसे मैं मानूं कि इस तरीके से कि r बराबर f थीटा के द्वारा हमारा वक्र प्रदर्शित होता है, यानी थीटा के मान रखते जाओ, r अपना मान चेंज करता जाएगा और उस परिस्थिति में बनने वाला वक्र जो भी होगा वो हमारा वक्र होगा। तो जब हमारा रूप ऐसा हो तो उस कंडीशन में हम ds अपॉन d थीटा, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, थीटा, तो ds अपॉन d थीटा, या यदि r इंडिपेंडेंट है तो ds अपॉन dr को कैसे फाइंड आउट करें, ये हमें आज यहाँ पर समझना होगा कि किस तरीके से उसका सूत्र डेरिवेट होगा। तो हम मानते हैं कि माना कि हमारा कोई कर्व इस तरीके से है, r बराबर f थीटा, हमारा कोई कर्व इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से ये जा रहा है। इस पर कोई दो बिंदु P स्थित, एक तो P स्थित है, एक Q स्थित है। P के जो कोऑर्डिनेट है अकॉर्डिंग टू पोलर सिस्टम r कोमा थीटा है, जहां पर r डिनोट करता है ध्रुवांतर रेखा की लंबाई और थीटा डिनोट करता है प्रारंभिक रेखा से ध्रुवांतर रेखा के मध्य बना गया कोण। तो ये कोण हमारा ये वाला था, देखो ये पूरा तो थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा क्योंकि ये थीटा से ज्यादा था, और ये जो अंदर वाला है ना ये हमारा थीटा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इसके कोऑर्डिनेट क्या है, आर कोमा थीटा। दूसरा पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्यों होंगे, आर प्लस डेल्टा आर, जहां पर जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो ध्रुवांतर रेखा की लंबाई दर्शाता है। ध्रुवांतर रेखा किसको कहते हैं, कि जो इसका ओरिजिन होता है उससे उस बिंदु तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई होती है। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो दर्शाता है कि प्रारंभिक रेखा से ध्रुवांतर रेखा कितना कोण बनाती है। तो यहाँ पर एक क्या लिख रखा है कि थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का कोण है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, और अंदर ये छोटा कोण है वो कितना है, थीटा। तो मैं यदि इसके और बचे हुए छोटे कोण की बात करूँ, यानी इस रेखा से इस रेखा की, तो कितना बच जाएगा, डेल्टा थीटा। और हम यहाँ से जहाँ से हमारा वक्र स्टार्ट हो रहा था वहाँ से पी तक की जो डिस्टेंस है उसको कितना कह रहे हैं कि वो कितना है, एस है, ठीक है। और फिर शुरू से ओ से लेकर हमारा जो क्यू तक की जो चाप जो हमारा होगा, ठीक है, उसकी लेंथ को मैं कितना कह रहा हूँ कि एस प्लस डेल्टा एस कह रहा हूँ। तो यदि मैं पी क्यू को यदि याद करना चाहूँ तो कितना बच जाएगा, वो डेल्टा एस। तो यहाँ पर पी से क्यू तक की जो चाप की लंबाई है, जो छोटी चाप की जो लंबाई है उसको हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा एस कह रहे हैं यहाँ पर। और आगे बढ़ूँ मैं यहाँ पर कि पी को यदि क्यू से मैं यदि मिलाऊँ तो जो सीधी रेखा मुझे प्राप्त होगी पी तथा क्यू को जोड़ने वाली, उस रेखा को मैंने क्या नाम दिया यहाँ पर, जीवा पी क्यू नाम दिया यहाँ पर। तो सारी चीज़ें आपके सामने जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर कंसिडर की है हमारे उस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख ली। तो एक बार हम इनको मैंशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए लिया मैंने यहाँ पर कि माना ध्रुवीय रूप में वक्र का समीकरण r बराबर f थीटा है, तब वक्र पर कोई दो बिंदु p तथा q स्थित है, जहां p के कोऑर्डिनेट वो कितने हैं, r कोमा थीटा, और जो q है, और जो q होगा दूसरा पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, r प्लस डेल्टा r, यहां लिख देता हूं इस q पॉइंट को, q के कोऑर्डिनेट कितने हैं, r प्लस डेल्टा r कोमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, इस तरीके से वो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां पर, तथा छोटे चार। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम थोड़ी देर पहले वीडियो बना रहे थे और कैमरा कब बंद हो गया पता ही नहीं चला, तो हमारा उसमें यहाँ तक का मेंशन किया गया था, आगे देखिए यहाँ से। तो हमने यहाँ पर जो भी हमारे पास जो डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें से जो बातें जो समझी थी उनको यहाँ पर मेंशन कर लिया। लंबाई डेल्टा एस तथा जीवा, जो इसको हम कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन जो पी से क्यू तक की थी, वो जीवा कौन सी, पी क्यू, तो हमने पी क्यू को लिख लिया। अब यदि हमने सारी चीज़ें यहाँ पर, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था वो क्या था कि हमें ध्रुवीय रूप में यदि वक्र का समीकरण दिया गया हो तो वहाँ पर हमें चाप का अवकलज प्राप्त करना था, ठीक है। ये सब ऑलरेडी एक बार मैं लिख चुका था लेकिन कैमरा बंद होने के कारण वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तब तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चाप के अवकलज को हम जानते हैं कि चाप का अवकलज यदि ध्रुवीय रूप में यदि आपको ज्ञात करना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि डी एस अपॉन डी थीटा के रूप में हमें उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो डी एस अपॉन डी थीटा कब आया होगा कि जब हमने कहीं कहीं इसकी लिमिट ली होगी, तो उसके लिए मैंने इसको कैसे लिख दिया कि लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा डेंस टू जीरो डेल एस अपॉन डेल्टा थीटा,
इसकी यदि मैं डेल्टा थीटा डैश टू जीरो पर लिमिट ले लेता हूँ तो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, डी एस अपॉन डी थीटा में, जहाँ पर जो डेल्टा एस है वो क्या है, चाप है। यहाँ पर जो पी से क्यू तक जो वक्री हम पथ पर हम जाते हैं तो वहां से जो छोटा आपको चाप दिखाई दे रहा है ये वाला, ये इसकी लंबाई को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक जो हमने रिजल्ट लिया उसमें से इसमें से कोई भी चीज उठाकर नहीं रख सकते हम, तो हमने इसको थोड़ा चेंज किया यहाँ पर, और इस तरीके से चेंज किया ताकि हमारे पुराने रिजल्ट भी यूज में आ जाए और कुछ चीजें हम यहाँ से जो हमने डायग्राम बनाया वहां से इसमें ले सके। तो मैंने इसको किस तरीके से लिखा कि मैंने लिखा कि डेल एस अपॉन जीवा पी क्यू, कि हमने इसमें क्या ऐड कर लिया, जीवा पी क्यू को और ऐड कर लिया, और जो जीवा पी क्यू यहाँ ऐड किया उसको यहाँ से हटाने के लिए कहाँ लिख दिया, जीवा पी क्यू अपॉन डेल थीटा, ताकि इसको सोल्व करूँ तो परिणाम मुझे वही प्राप्त हो जाए। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाप बटे जीवा का अनुपात सदैव वन होता है यदि वो बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए या बहुत ही नेबर वाले जो पॉइंट हो उनके लिए यदि ली गई हो, तो वहाँ पर कि चाप तथा जीवा या हाँ चाप तथा जीवा का जो अनुपात होता है वो सदैव कितना होता है, कब, जब आपने लिए गए पॉइंट बहुत ही नेबर यानी बहुत ही नज़दीक वाले जो पॉइंट थे यदि आपने लिए हो, कि किसी वक्र के लिए इतने नज़दीक के पॉइंट लिए हो कि वहां पर वक्रीय पथ पर जाने में एवं सीधी रेखा की ओर जाने में कोई अंतर नहीं आए, तो बहुत ही निकटतम बिंदु होंगे वो, तब जाके ऐसा होगा वहां पर। तो उस कंडीशन के लिए हम जब शुरुआत में हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया था तो वहां इस चीज़ को समझा था कि चाप बटे जीवा का अनुपात कितना होता है, वन होता है, कब, कि जब आपने जो पॉइंट्स लिए हैं या जिन पॉइंट्स को लेकर आप चाप को काट रहे हो तो वो बहुत ही नज़दीक के पॉइंट है वहां पर। तो हमने उसी रिजल्ट को बनाने के लिए यहाँ क्या लिख दिया कि चाप बटे जीवा यहाँ पर ले ली। अब जीवा एक्स्ट्रा रेड हो गए तो उसको हटाने के लिए हमने यहाँ उसको मेंशन कर लिया। अब हमारे पास इसका मान तो जैसे मैंने डेल्टा थीटा डेंस टू जीरो ले लिया तो इसका मान तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी ये तो यहाँ से हट जाएगी आसानी से। बस हमारे पास जीवा पी क्यू का मान यहाँ पर होना अनिवार्य है। अब जीवा पी क्यू आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी इस त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज है, जहाँ पर पी से सामने वाली रेखा पर एक लंब डाला गया है तो ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा यहाँ पर। तो पी एम क्यू त्रिभुज में देखिए यहाँ हमारी जो लाइन जो हमें चाहिए थी वो कौन सी है, पी क्यू। तो पी क्यू यहाँ पर करंट का कार्य कर रही है, किसका कार्य कर रही है, करण का कार्य कर रही है यहाँ पर, ठीक है, हाइपोटेंस का कार्य कर रही है यहाँ पर। तो अब यदि मुझे PQ चाहिए होगा तो मैं PQ को ज्ञात करने के लिए क्या लिखूंगा, PQ का स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर, यानी P से हमने जो M पर जो लंब डाला था उसका स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर। अब ना तो मेरे पास PM है ना ही मेरे पास क्या है PQ, MQ है, दोनों के दोनों अनअवेलेबल है, तो उनको ज्ञात करना, हमें एक तो पी एम डिस्टेंस ज्ञात करनी है, एक एम क्यू डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो पी एम के लिए तो मैं यदि इस त्रिभुज की यदि सहायता ले लूँ यहाँ पर, किसकी, ओ एम पी की, ओ एम पी त्रिभुज की यदि मैं सहायता ले लूँ तो वो आसानी से ज्ञात हो सकती है। कैसे, क्योंकि हम यहाँ पर यदि साइन डेल्टा थीटा यदि लगाते हैं तो आप जानते हो साइन डेल्टा थीटा के अकॉर्डिंग ये यहाँ से क्या देगा आपको, साइन डेल्टा थीटा बराबर होता है लंब बटे करंट, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, तो उसके बेसिस पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सामने वाला जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, यानी कौन प्राप्त हो जाएगा, एम पी एम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो वही काम हमने यहाँ पर किया कि त्रिभुज ओ एम पी में साइन डेल्टा थीटा हमने यहाँ पर लिया। अब साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू जानते हो कि लंब बटे क्या होती है, करंट होती है, तो उसके बेसिस पे हमें कितना मिल जाएगा कि यहाँ पर हमने यहाँ तो रहा हमारा साइन डेल्टा थीटा और उसकी जगह हमने आगे जो लंब था लंब की लंबाई कितनी होगी पी एम, तो वो हमने यहाँ पर कितनी लिख दी पी एम, और नीचे क्या था कर्ण था, तो कर्ण कितना था यहाँ पर देखो आर, ये डिस्टेंस ऑलरेडी आपको दे रखी है आर थीटा के बेसिस पे, तो कितनी है आर, पी एम को अकेला किया तो कितना आ गया आर साइन डेल्टा थीटा, यानी एक वैल्यू ये तो आ गई, पी एम जो हमें चाहिए थी वो तो यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब बचती है दूसरी डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस कौन सी होगी एम क्यू। अब के बारे में क्या प्राप्त करना होगा यहाँ पर, एम क्यू डिस्टेंस को किस तरीके से प्राप्त किया जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एम क्यू डी जो डिस्टेंस होगी वो इस पूरी डिस्टेंस में से यदि मैं छोटी डिस्टेंस को यदि घटा दूँ तो मुझे परिणाम वो प्राप्त हो सकता है, कि ओ से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस है उसमें से मैं ओ से लेकर एम तक को घटा दूँ तो परिणाम प्राप्त हो सकता है। और ओ एम को ज्ञात करना आसान भी है क्योंकि त्रिभुज आपके पास ये है ही, जहाँ पर ये थीटा हो गया तो ये लंबाई आपको पता है ही, तो उसके बेसिस पे हमारे पास इसको रिजल्ट को प्राप्त करना आसान होगा। तो अब की बार मैंने यही लिया कि एम क्यू बराबर जो होगा वो होगा ओ से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस में से ओ एम डिस्टेंस को घटा दीजिए। अब हमें चाहिए ओ एम डिस्टेंस यहाँ पर, तो ओ एम डिस्टेंस के लिए हमने दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात लिया, कौन सा, कोस डेल्टा थीटा। कोस डेल्टा थीटा से आधार ज्ञात हो जाता है, तो हमने क्या लिखा, कोस डेल्टा थीटा बराबर आधार बटे करण, लिख दिया आधार बटे करण, इनकी वैल्यू लिख दी तो ओ एम बटे आर आ गया, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, ओ एम की, तो आर कोस डेल्टा थीटा हमने यहाँ पर रख दिया। तो ओ एम यहाँ से प्राप्त जब हम हो गया तो उसको हमने कहाँ रखा, ऊपर यहाँ पर, इसकी वैल्यू तो पहले से ही पता थी, इसकी वैल्यू तो क्या होती है ओ क्यू, ओ क्यू का मतलब कितना हो गया आर प्लस डेल्टा आर, यहाँ से यहाँ तक का, तो वे हमारे पास आ ही गया ओ क्यू, फिर ओ एम का मान यहाँ से रख दिया, हो गया।
तो हमने लिखा परिणाम दो, एक तो परिणाम हमने दो नाम से यहाँ लिखा था पीएम डिस्टेंस, और एक परिणाम तीन जो कि हमने समीकरण नंबर इन दोनों को दो और तीन को उठाकर कहाँ रख दिया, एक नंबर में, जहाँ से हमें जो हमारे मुख्य रिजल्ट है यानी जो हमें एम क्यू डिस्टेंस की जो जरूरत है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। तो रखेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास हो जाएगा एम क्यू स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर, तो पी एम मैंने यहाँ से ले लिया, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा। फिर दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा प्लस का आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर कोस डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यदि आप खोल कर लिखते हो तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर वही आएगा, लेकिन हमने पता है कि हमने जहाँ पर जो भी चीज़ हमें रखनी है वहाँ पर हमने डेल्टा थीटा को क्या माना है, बहुत ही छोटा माना है या डेंस टू जीरो माना है, तो उसी रिजल्ट को यहाँ पर भी अप्लाई कर दो, ताकि हमें जो लंबी चौड़ी जो लिखना होगा हमें रिजल्ट उसके बजाय हम छोटा रिजल्ट लिख पाएंगे। तो हम जानते हैं चूंकि डेल्टा थीटा डेंस टू जीरो पर कि यदि जो कोणांक है उसका मान बहुत ही छोटा हो तो उस कंडीशन में साइन जो डेल्टा थीटा होता है वो तो जैसे जीरो रखोगे तो जीरो में ही कन्वर्ट कर देता है, यानी डेल्टा थीटा कि जितना छोटा कोण रखोगे साइन का काम उसको बिना परिवर्तित किए जो कहते हो लौटाने का होता है, क्योंकि आप जानते हो कि साइन में यदि जीरो रखा तो उसने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, जीरो को जीरो लौटा दिया। कोस में यदि आप जीरो रखते हो तो उस कंडीशन में कोस उसको चेंज करके किस में रख देता है, वन में। तो जो हमारा जो डेल्टा थीटा है वो भी लगभग यही मानो कि जीरो की इक्विवेलेंस है, तो जब जीरो की इक्विवेलेंस है तो जैसा रिजल्ट रखोगे वैसा का वैसा उसने आपको दोबारा लौटा दिया। तो यही काम हमने यहाँ लिख दिया कि साइन डेल्टा थीटा जब एंगल बहुत ही छोटा हो, बहुत ही जीरो के नजदीक हो, तो उस कंडीशन में उसका काम होता है उसको जो कहते हैं लौटाना। इसी प्रकार से कोस डेल्टा थीटा का काम क्या होता है कि जितना छोटा एंगल रखोगे वो उसे सदैव वन में कन्वर्ट करता रहेगा। तो उनके बेसिस पे हमारे पास दो रिजल्ट ये आ जाते हैं। अगर यदि मैं दोनों रिजल्टों को उठाकर ऊपर इसमें रखूं तो परिणाम में देखो मुझे क्या मिलेगा, यहां से तो देखो साइन डेल्टा थीटा ने तो क्या कर दिया, इसको आर स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। यहां से इस डेल्टा थीटा ने क्या काम किया, किसमें से किसमें कन्वर्ट कर दिया, वन वन में। अब वन में करूंगा तो आर से आर कैंसिल किया और क्या बचेगा, डेल्टा आर बचेगा यहाँ पर। तो इस कंडीशन में मुझे प्राप्त जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा स्क्वायर। और अंदर वाले में से ये आर से आर हटी जाएगा क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वन में। तो वन में रहा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आर यहाँ से कैंसिल, केवल क्या बचता है, डेल्टा आर। तो डेल्टा आर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्ट नंबर तीन। इसको यदि और थोड़ा सोल्व कर ले यहाँ पर, तो हमें तो चाहिए क्या, सिर्फ पी क्यू चाहिए यहाँ पर, तो पी क्यू चाहिए तो मैं इसको लिखता हूँ पी क्यू के लिए, पी क्यू तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर और प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट नंबर चार। अब हमें इस परिणाम नंबर चार को कहाँ रखना है, हमारे मुख्य जो हमारे पास रिजल्ट है इसमें यहाँ पर, तो आगे मैं लिख रहा हूँ तब dS/dθ बराबर लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा डेंस टू जीरो डेल एस अपॉन जीवा पी क्यू, ठीक है, ये हमारा क्या था, चाप था ये ऊपर वाला डॉट। अब हमें जीवा की लंबाई चाहिए तो जीवा की लंबाई हमने यहां से प्राप्त कर ली, और ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने प्राप्त किया इनको मैंने यहां पर लिख दिया, और परिणाम को कहां लिख दिया, यहां आर डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। और नीचे जो हमारे पास डेल्टा थीटा था वो अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो गया, अंडर रूट के अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो गया, वो डेल्टा थीटा स्क्वायर में। तो हमने क्या लिख दिया, डेल्टा थीटा स्क्वायर। अब हम इसको दोबारा सोल्व करके लिखे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा डेंस टू जीरो डेल एस यानी चाप बटे जीवा पी क्यू, और यहाँ इस परिणाम को हमने जब डेल्टा थीटा स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ तो क्या बचा, आर स्क्वायर, और यहाँ बचा डेल आर अपॉन डेल थीटा, और हमने लिमिट कौन सी ले रखी है, डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो। तो उस कंडीशन में जानते हैं कि चाप बटे जीवा का परिणाम एक हो जाता है, और यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा में। तो जब मैंने इसको लिखा तो प्लस माइनस मुझे क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से मुझे परिणाम की प्राप्ति होगी यहाँ पर। तो मुझे जो डी एस अपॉन जो थीटा चाहिए था वो हमने इस तरीके से प्राप्त कर लिया। और यही आपका क्या होता है, जब हमारा वक्र ध्रुवीय रूप में यदि समीकरण दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम चाप के अवकलज को इस तरीके से प्राप्त करते हैं।
यहाँ पर पॉजिटिव तथा नेगेटिव जो साइन यूज में लिए गए हैं इनके परिणाम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। यदि नेगेटिव साइन यदि आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो वक्र है वो थीटा के घटने थीटा के बढ़ने से क्या हो रहा है उसमें डिक्रीजिंग हो रही है, और यदि पॉजिटिव आता है तो थीटा के बढ़ने से वक्र की जो लंबाई है वो भी क्या हो रही है बढ़ रही है। तो ये केवल लेंथ थोड़ी नोट करता है कि उसमें परिवर्तन थीटा के बढ़ने से या बढ़ रहा है या घटने वो बढ़ने से घट रहा है, तो वो इंक्रीजिंग तथा डिक्रीजिंग को डिनोट करता है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो डी एस अपॉन डी थीटा ये एक परिवर्तन की तरह है, यहाँ पर परिवर्तन की तरह तो है यहाँ पर ही कि एस में विद रेस्पेक्ट टू थीटा होने वाले जो चेंजेस है उसको डिनोट करने वाला जो रिजल्ट है वो डी एस अपॉन डी थीटा है। तो हमारा ये जो परिवर्तन है वो पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है वो तो चिन्ह बता रहे हैं, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। हमें तो सिर्फ ये देखना होता है कि हमारा जो वक्र है उसके जो चाप का अवकलज है वो किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो इससे पहले हमने कार्तीय रूप के लिए पढ़ा, अब ये किसके लिए पढ़ा है ध्रुवीय रूप के लिए। अब इसी में एक परिणाम और है, क्योंकि ये तो हमने जब ऐसा किया था कि जब थीटा क्या है इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, बट अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि वहां पर आर क्या हो इंडिपेंडेंट हो और थीटा क्या हो डिपेंडेंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर, तो इसी रिजल्ट को हम डी एस अपॉन डी आर के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर डी एस अपॉन डी थीटा के लिए प्राप्त किया है, इसी तरीके से किसके लिए प्राप्त करेंगे डी एस अपॉन डी आर के लिए। तो ये हो जाएगा रिजल्ट नंबर आपका 5। तो आगे देखते हैं सीज को, उन्हें आर के पदों में चाप का अवकलज, उन्हें आर के पदों में चाप का अवकलज, आर के पदों में मतलब क्या डी एस अपॉन डी आर, तो हमें चाहिए डी एस अपॉन डी आर। तो डी एस अपॉन डी आर को आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास है डी एस अपॉन, तो हमने उसको क्या लिख दिया डी एस अपॉन डी थीटा, ठीक है। फिर क्या लिख दिया डी थीटा अपॉन डी आर, ऐसे लिखा जा सकता है इसको कि हमको चाहिए था यहाँ पर डी एस अपॉन डी आर, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हमारे पास ये परिणाम तो पहले से हमने थोड़ी देर पहले प्राप्त किया ही था समीकरण नंबर 5 की सहायता से, तो वो तो यहाँ आ जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी थीटा अपॉन डी आर से, तो ये काम तो हम कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से मान रखने पर, तो समीकरण 5 से मान रखेंगे तो एक मान तो वहां से आ जाएगा किसका इसका बचा कौन ये, तो इसको मैंने यहाँ नोट कर दिया डी एस अपॉन डी आर एंड स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये इसके साथ अटैच होकर क्या बनाएगा ये तो आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, और ये क्या बनाएगा आपको यहाँ पर देखो कैंसिल होकर क्या बनाएगा 1। तो ये हमारा किसके अंतर्गत होता है कि जब हमें आर की रेस्पेक्ट में यदि चाप का अवकलज प्राप्त करना हो तो उस कंडीशन में हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा था कि जब हमारा वक्र ध्रुवीय रूप में यदि दे रखा हो तो इस तरीके से हम चाप के अवकलज को प्राप्त करते हैं। तो एक बार आप नोट कीजिए फिर इससे आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा कि जब हमारा जो क्वेश्चन है या हमारे जो रूप है वो प्राचालिक रूप में दे रखे हो,
तो उसके लिए भी एक रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ पर कि यदि समीकरण हमें प्राचालिक रूप में दे रखे हों, प्राचालिक रूप का मतलब कि हमारे x तथा y को किसी तीसरे वेरिएबल के साथ रिलेटेड कर रखा हो, जैसे आप जानते हो कि r r को आप देखते हो कि r को भी आप t का फंक्शन बता देते हो और थीटा को भी यदि आप t का फंक्शन बता देते हो तो उस कंडीशन में r और थीटा किसके रिजल्ट हो जाते हैं t के। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल थे वो किसके हो गए t के। उसी प्रकार से x इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल t एंड y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल t। तो x और y खुद तो वेरिएबल हैं लेकिन ये भी किसी तीसरे चर से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं प्राचालिक रूप के अनुसार हम इसको मानते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि यदि वक्र का समीकरण प्राचालिक रूप में, तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा हमारा प्राचालिक रूप, प्राचालिक रूप। तो यहां लिखता हूं मैं यदि वक्र का समीकरण, यदि वक्र का समीकरण x इक्वल टू एफ वन टी तथा y इक्वल टू एफ टू टी, अर्थात अर्थात प्राचालिक रूप में, अर्थात प्राचालिक रूप में प्रदर्शित है तो ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या निकालना है, हमें चाप का अवकलज निकालना है। तब जो चाप का अवकलज होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा ds अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पर जो x देखा वो भी t का फलन है और जो y देखा वो भी किसका फलन है, t का। तो हमें अब जो रिजल्ट होगा उसको किस रूप में प्राप्त करना है, ds अपॉन dt में, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में, प्राचालिक फॉर्म में है यहाँ। तो हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा रूप किस रूप में हो, प्राचालिक फॉर्म में हो, तब वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए वहाँ पर, कि जब हमारा रूप किस रूप में हो, प्राचालिक रूप में हो, कि यदि वक्र का समीकरण x बराबर एफ वन टी तथा वाई बराबर एफ टू टी यानी प्राचालिक रूप में हो, तब वहाँ पर हमें क्या प्राप्त करना होगा कि जो चाप का अवकलज है वो इस तरीके से प्राप्त होगा डी एस अपॉन डी टी। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई रिजल्ट था ही नहीं, हमने तो ये जरूर देखा था कि s का x के सापेक्ष किया जा सकता है या x का y के सापेक्ष भी किया जा सकता है, यानी डी एस अपॉन डी एक्स प्राप्त किया था, डी एस अपॉन डी वाई प्राप्त किया था। तो यहाँ पर इनको कैसे रिलेटेड करें, तो मैंने लिखा कि डी एस अपॉन डी एक्स, ऐसा तो लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पर और ऐड कर दिया, क्योंकि ये परिणाम तो ज्ञात किया जा सकता है कहाँ से, कि x का विद रेस्पेक्ट टू टी यहाँ क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो और वहाँ से इस रिजल्ट की प्राप्ति हो जाएगी। और इसका सूत्र हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है ये सूत्र यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि जो डी एस अपॉन जो डी एक्स है वो हमने जब प्राप्त किया था तो कैसा आया था कि वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ये आया था इस तरीके से, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से हम इस दोनों का मान यहाँ लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी डी टी, और ये सूत्र यहाँ पर लिख देंगे तो ये आ जाएगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे परिणाम क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ से जब ये इसके अंदर जाएगा तो पहला परिणाम क्या देगा, ये अंदर जाकर स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर में जाकर, तो क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। दूसरा होगा, अब देखो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो x यहाँ पर ये भी अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा। चलो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये भी अंदर जाके, और अंदर और क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पर भी। तो एक बार तो x का t के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा परिणाम क्या हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो तो हमारे पास क्या हो गया कि y किसका फलन हो जाएगा, t का फलन है भी हमारे पास, तो y इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों परिणामों का जो संयुक्त रूप है वो हम क्या लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि y का x के सापेक्ष किया जा रहा है फिर x का t के सापेक्ष किया जा रहा है। तो इसके बजाय हम सीधा ही, क्योंकि हमें पता है y किसका फलन है t का, तो हम सीधा क्या प्राप्त कर सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस परिणाम को मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ इस परिणाम को यहां लिखा, हमें प्राप्त हुआ यहां पर क्या, यहां पर हमें प्राप्त हो गया डी एस अपॉन डी टी बराबर प्राप्त हो गया, ये अंदर जाकर एक तो बन गया था डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और दूसरा बन जाएगा डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, प्राचालिक रूप में चाप का अवकलज, जो कि प्राचालिक रूप में
जो कि प्राचालिक रूप में चाप का अवकलज है, जो कि प्राचालिक रूप में चाप का अवकलज है। और ये हमें यहाँ पर प्राप्त करना था कि प्राचालिक रूप में चाप के अवकलज को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी तक हमने हमारी जो तीन फॉर्म होती है किसी भी वक्र को प्रदर्शित करने की, कार्टेशियन, ध्रुवीय रूप एवं प्राचालिक पैरामेट्रिक फॉर्म, तो हमने तीनों ही रूपों में हमने चाप के अवकलज को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब आगे हम इन्हीं चीज़ों से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे एवं कुछ विशेष रिलेशंस हैं उनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज तो हम इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम जो हमने जितने भी रिजल्ट पढ़े हैं या हमारे पास एक होता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यदि आपका वक्र ऐसा है कि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पर यदि इसकी इसके लिए कोई स्पर्श रेखा है इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम ज्ञात करते हैं, उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से होता है dy / dx। लेकिन यदि इसको कोणांक में हम इसको tan थीटा से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम स्पर्श कोण बनाएंगे या स्पर्श करने वाली रेखा जो इनिशियल लाइन के साथ या एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी उसको सदैव हम यहाँ पर साइन से इंडिकेट करेंगे। तो आगे ये दो तीन रिलेशन और हैं, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर जो हमने आज हमने जो चाप के अवकलज के बारे में जो जानकारी ली है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने होंगे हमें यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चंस, जब आप समाकलन वाली जो बुक पढ़ोगे तो उसमें चाप की लंबाई वाला एक टॉपिक है। यहाँ तो चाप का अवकलज है, वहाँ क्या है, चाप की लंबाई। तो वहाँ पर इन जो फॉर्मूलेज हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं इसको पढ़ाने का जो हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि आप जब समाकलन पढ़ो तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बतानी नहीं पड़े, वहाँ पर आप सीधे इस चीज़ को समझ जाओ कि हम कहाँ से ले रहे हैं, वो हम कहाँ से ले रहे हैं। इस जो अवकलन जो आपकी हमारी जो अवकल समीकरण या कहीं सॉरी अवकलन गणित वाली जो बुक है वहाँ से हम इसको ले रहे हैं, इस चीज़ को हम वहाँ पर समझ पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो जब वहाँ पर इस चीज़ के बारे में जब चर्चा होगी तो आप सीधे समझ जाओगे कि ये कहाँ से आ रहा है, ये जो हमने टॉपिक लिया है वो। तो क्वेश्चंस करते हैं इससे संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है आपका। एग्जांपल नंबर पहला है y बराबर a log sec x upon a के लिए सिद्ध कीजिए, के लिए सिद्ध कीजिए क्या, पहला तो मुझे सिद्ध करना होगा क्या, ds upon dx बराबर sec x upon a। दूसरा मुझे सिद्ध करना है यहाँ पर d2x/ds² बराबर होता है -1/2a sin 2x/a, इस तरीके से। ठीक है, ds/dx और यहाँ पर आगे है d2x/ds² बराबर -1/2a sin 2x/a, इस तरीके से हमें दो रिजल्ट यहाँ पर सिद्ध करने होंगे हमें। तो हमारे पास इसको देखते हैं हमारे माइंड में समझ में आ गया हमें कि ये तो क्या हो रहा है कि चाप की लंबाई का अवकलज हो रहा है किसके सापेक्ष, s के सापेक्ष। तो हम यहाँ पर सीधी लाइन हमने ये लिखी सॉल्यूशन में इसके में, चूँकि y बराबर a log sec x/a के लिए चाप का अवकलज। तो इसके लिए चाप के अवकलज को हम कैसे लिखते हैं, ds/dx। तो ds/dx का हमारा जो रिजल्ट था वो क्या था कि 1+dy/dx² मान फिल करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास चूंकि मैं रिजल्ट को यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि dy/dx कि मुझे इसका x के सापेक्ष पहले क्या करना होगा, मुझे अवकलन करना होगा। a कांस्टेंट राशि उसको मैंने बाहर ले लिया, log का कितना आ जाता है, log नीचे चले जाता है तो क्या जाएगा sec x/a, और जब sec का किया तो sec का कितना हो जाता है sec x tan x, तो sec x/a एंड tan x/a। ठीक है, और जब x/a का दोबारा किया तो कितना प्राप्त हो गया 1/a, a से ये a कैंसिल तो हमारे पास कितना आ गया sec से sec कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली कितना आ गया tan x/a। यानी dy/dx की वैल्यू है वो हमें कितनी प्राप्त हुई यहाँ पर tan x/a। इसको उठाकर मैं कहाँ रख दूंगा ऊपर, तो मुझे किसकी प्राप्ति होगी ds/dx की। तो ds/dx बराबर जो मुझे प्राप्त होगा वो क्या होगा, 1+dy/dx। तो dy/dx का मान हमने यहाँ पर लिखा था तो कितना आ गया था tan x/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। खोलकर इसको मैं यदि लिखूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स अपोन ए, और वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपोन ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया तो कितना आ जाएगा sec x अपोन ए। यानी फाइनली हमें जो ds अपोन जो dx हमें जो रिजल्ट निकालना था वो कितना आ गया sec x अपोन ए, और यही परिणाम आपको प्रारंभ में दिया गया है। यानी हमने जो निकाला है वो क्या है पूर्णतः सही है, यानी हमने जो रिजल्ट प्राप्त किया है वो क्या है सही है यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमें दूसरा परिणाम प्राप्त करना है। दूसरे परिणाम में x को ऊपर लिया गया तथा x को नीचे लिया गया है, यानी अब हमें जो हमारा परिणाम ये था, यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम इसको पुनः लिखेंगे, चूंकि dx अपॉन ds, अब इसको आप याद करना है तो कैसा आ जाएगा sec उल्टा हो जाएगा, sec उल्टा होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा cos x अपॉन a में, हो गया cos x अपॉन a में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर लिया। अब देखिए यहाँ पर तो हमें अब ये हमारा एक रिजल्ट है यहाँ पर, अब इस रिजल्ट को ये मत मानो कि ये किसका किसके सापेक्ष और नहीं, हमें तो ये करना है कि जो भी हमें परिणाम मिला इसका एस के सापेक्ष हमें क्या करना है अवकलन करना है, क्योंकि हमें एस के सापेक्ष यहाँ पर क्या दे रखा है द्वितीय कोटि का अवकलन दिया गया है। तो एक बार तो पहले से हो गया एस के सापेक्ष, अब एक बार और करना है। तो मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर दो, तो समीकरण दो का एस के सापेक्ष, समीकरण दो का एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण दो का s के सापेक्ष यदि अवकलन करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा ये, इधर तो आ जाएगा d2x टू एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर। इधर देखिए अब यहाँ पर हमारा जो फलन था उसमें यानी जो भी रिजल्ट था उसका s के सापेक्ष नहीं बल्कि s किसका फलन है x का, यहाँ पर तो हमारा तो परिणाम जो भी है हम इसका तो एक बार तो अवकलन करेंगे और फिर लिखेंगे कि x का हमें किसके सापेक्ष करना पड़ेगा s के सापेक्ष। तो वहां पर क्या लिखेंगे dx अपॉन ds, आगे जाके क्या लिखेंगे ds अपॉन dx यहाँ पर। तो हमने इसको लिखा है यहाँ पर कि एक बार तो इसका अवकलन कर दिया तो कोस का कितना हो जाता है साइन हो जाता है, तो साइन एक्स अपोन ए, और साथ में जब हमने एक्स अपोन ए को दोबारा किया तो वो कितना प्राप्त हो गया वन अपोन ए, और यहाँ हो गया डी एक्स अपोन डी एस, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हैं एस के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्स है वो भी एस का फलन होगा तो उसी के अनुसार चलेंगे इसको, तो पहले हमने कोस का कर दिया कि जो भी हो हमारा फलन उसका कर दो एक बार, तो साइन जो कोस था कोस कन्वर्ट हो गया साइन में तो साइन एक्स अपॉन ए आ गया, और जब एक्स अपॉन ए का दोबारा किया तो वन अपॉन ए, और एक्स का जब होता है तो क्या मिलेगा डी एक्स अपॉन डी एस। अब हमें यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू रखनी है, वो कहाँ पर है कोस के रूप में यहाँ उपस्थित है, तो मैंने लिख दिया कि माइनस का साइन एक्स अपॉन ए, और जो ये वन अपॉन ए जो चौथा यहाँ पर गुणांक इसको मैंने यहाँ पर ले लिया, इसकी वैल्यू लिखी तो कितनी आ गई कोस एक्स अपॉन ए। अब हमें जो चाहिए था उसमें तो क्या है साइन 2x के रूप में इसको लिखा गया है, तो क्यों ना हम इसको ऊपर नीचे दो से गुणा कर देते, दो से ऊपर गुणा कर दिया दो से नीचे गुणा कर दिया, तो ये क्या बन गया साइन x अपॉन ए एंड कोस x अपॉन ए, तो माइनस का 1 अपॉन 2 ये तो हमारा इस तरीके से रह जाएगा, और इस परिणाम को आप जानते हो कि ये तो साइन 2x का फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा साइन 2x अपॉन 3। तो इस तरीके से हमने क्या किया इस रिजल्ट के जो दोनों भाग है उनको आसानी से प्रूव कर लिया। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया उसी अनुरूप चलिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए एक बार फिर बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के अकॉर्डिंग है वो हमें यहाँ पर। तो आपको किसमें दे रखा है, कार्तीय रूप में। अगला क्वेश्चन किस रूप में दे रखा है आपको, ध्रुवीय रूप में। तो ध्रुवीय रूप वाला भी हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा इसी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया है 2015 और 2017, दो बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर है r की पावर m बराबर a की पावर m cos m थीटा के लिए सिद्ध कीजिए, के लिए सिद्ध कीजिए ds अपॉन d थीटा बराबर होता है a sec m थीटा की पावर m माइनस 1 अपॉन m। दूसरा होता है d2 थीटा अपॉन ds स्क्वायर बराबर, हाँ ये हमें एक रिजल्ट के रूप में दे रखा है तो इसी के अकॉर्डिंग चलो, ये हमें दे रखा है a स्क्वायर m d2r अपॉन ds स्क्वायर, d2r अपॉन ds स्क्वायर प्लस m r 2m माइनस 1 बराबर 0। इस तरीके से हमें दो रिजल्ट यहाँ पर दे रखे हैं, दोनों को हमें प्रूव करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन को लेकर। तो सबसे पहले हमें ये वाला रिजल्ट प्रूव करना होगा इसकी सहायता से। तो सॉल्व दिया है आपको, क्या दिया है, r की पावर m बराबर a की पावर m cos m थीटा। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आप m को हटाने के लिए दोनों तरफ का लॉग ले लो, अदरवाइज आप सीधा भी इसको डायरेक्ट कर सको तब भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से आप कीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि ये सोल्व करने में थोड़ी आपको दिक्कत नहीं करेगा, और जल्दी से जैसे a की पावर m को ऐसे हटाना है तो वो भी यहाँ से आसानी से हट जाएगा, वहाँ ये बेनिफिट हमें मिलेगा। ठीक है, हमने क्या लिया यहाँ पर, दोनों पक्षों का लोग लिया यहाँ पर, दोनों पक्षों का लोग लेने पर, दोनों पक्षों का लोग लिया तो यहाँ तो हो गया m log r और इधर वो हो गया log a की पावर m प्लस log cos m थीटा। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या प्राप्त करना था, शुरुआत में हमें पता है कि जो हमारे रिजल्ट है वो किसके रूप में, थीटा के रूप में, तो हमें यहाँ पर प्राप्त करना था ds अपॉन d थीटा। तो चूंकि ds अपॉन d थीटा बराबर होता है क्या, r स्क्वायर dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर, ये परिणाम होता है वहाँ पर। तो इसमें हमें किसकी जरूरत होगी, dr अपॉन d थीटा की, तो उसको ले लिया मैंने समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो परिणाम हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए m एक कांस्टेंट है ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, log r का करेंगे 1 अपॉन r, यहाँ पे क्या आ जाएगा dr अपॉन d थीटा बराबर, ये एक कांस्टेंट है जिसका कितना हो गया 0, log का कितना हो जाता है cos m थीटा, और जब cos m थीटा का दोबारा किया तो कितना आ गया माइनस का साइन m थीटा, और जब m थीटा का दोबारा किया तो यहाँ से कितना आ गया m भार आ गया यहाँ पर, तो हमने भार क्या लगा दिया m गुणा के रूप में, इस तरीके से हो गया कंप्लीट। यहाँ पर ये किसके रूप में था, जोड़ के रूप में था 0 यहाँ पर, तो m से m कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ क्या dr अपॉन d थीटा बराबर, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस का r साइन, r साइन इसको हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसको क्या लिखा डायरेक्टली tan m थीटा, इस तरीके से, क्योंकि साइन अपॉन जो cos होता है वो tan होता है, और ये जो r था इसके साथ लगकर क्या हो गया r tan m थीटा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए था कि ds अपॉन d थीटा का परिणाम कुछ इस तरीके से होता है, तो अभी तो मैं इसको उठाकर जो का तो रख लूंगा, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसका मान कहाँ पर रख लूंगा, r का मान यहाँ पर रख लूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैंने ले लिया समीकरण नंबर 3, तो 3 से मान कहाँ पर रख रहे हैं 2 में, तो समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 से मान 2 में रखेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा
डी एस अपॉन डी थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर पहले से था और एक यहाँ से आ गया आर स्क्वायर और साथ में आ गया टेन स्क्वायर एम थीटा, टेन स्क्वायर एम थीटा इस तरीके से, ठीक है। इसमें से आर स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सभी जानते हैं क्या हो जाता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे वहां से, सेक स्क्वायर थीटा, तो आगे मैंने लिया है यहां पर डी एस अपॉन डी थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एम थीटा, दोनों को बाहर ले लिया तो ये बन गया आर सेक स्क्वायर सेक केवल, क्योंकि स्क्वायर बढ़ जाएगा क्या बचेगा एम थीटा। अब हमारे पास जो रिजल्ट चाहिए तो उसमें कहीं पर भी क्या नहीं दिखाई दे रहा, हमें जो हमारा आर है वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो हमें इस आर को यहाँ से हटाना है। तो हटाने का तरीका हमारा क्या होगा कि हमने इसको इस तरीके से लिखा आर को, आर को अकेला करके वहां लिखा, तो हमने इसकी पावर कितनी ले ली, वन अपॉन एम ले ली, यहाँ पर क्या ले ली इसकी पावर वन अपॉन एम, क्योंकि हमें रिजल्ट लेकर आना था इस तरीके से ए सेक एम थीटा के रूप में, तो हमें यहाँ पर ये प्रदर्शित करना था। तो हमने लिखा चूंकि आर की पावर एम बराबर होता है ए की पावर एम कोस एम थीटा, आर बराबर क्या होगा ए की, ए तो बच जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा कोस की पावर, कोस एम थीटा की पावर कितना आ जाएगा वन अपॉन एम, हमने दोनों तरफ कितना ले ली पावर वन अपॉन एम, तो यहाँ से जो एम जिनकी पावर एम थी वो तो हट गई, यहाँ से जो उसके पास नहीं थी उसकी पावर कितनी लगी वन अपॉन एम पावर यहाँ पर लग गई यहाँ, ठीक है। तो आर को उठाकर कहाँ रखा जा सकता है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हमारा जो डी एस अपॉन जो थीटा है वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा ए कोस एम थीटा की पावर वन अपॉन एम डॉट सेक एम थीटा इस तरीके से यहाँ, ठीक है। इसको यदि मैं और सोल्व करूँ यहाँ पर तो ए सेक, क्योंकि मुझे सेक में चाहिए सारा रिजल्ट, तो ए सेक वन अपॉन एम थीटा, इसकी पावर तो वन है और नीचे से कितने आ गई वन अपॉन एम, क्योंकि ये भी नीचे जाके किसका हो गया नेगेटिव का हो गया और क्या बन गया सेक एम थीटा, दोनों समान हो गए। इसको सोल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा ए सेक एम थीटा और यहाँ पर इसकी पावर आ गई एम माइनस वन अपॉन एम, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था डी एस अपॉन डी थीटा के रूप में यहाँ पर। तो हमारा जो प्रथम परिणाम है वो तो इस तरीके से क्या होता है वेरीफाई होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट नंबर चार, हो गया परिणाम नंबर पहला। तो अब हमें दूसरा परिणाम भी सिद्ध करना है यहाँ पर। दूसरे परिणाम के लिए हमें ये देखना होगा यहाँ पर कि हमारा मुख्य रिजल्ट क्या है। तो मुख्य रिजल्ट आप देखोगे तो डी आर अपॉन डी एस का एक बार एस के सापेक्ष अवकलन किया गया है, लेकिन हमने तो यहाँ पर क्या प्राप्त किया है, हमने तो प्राप्त किया है कि डी एस अपॉन डी थीटा प्राप्त किया है, तो पहले तो इसी को चेंज करो। तो चूंकि डी एस अपॉन डी आर, डी एस अपॉन जो डी आर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा डी एस अपॉन डी थीटा, डी एस अपॉन डी थीटा डॉट डी थीटा अपॉन डी आर इस तरीके से, ठीक है। कि हमें डी एस अपॉन डी आर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि डी एस अपॉन डी थीटा को किसके साथ गुणा करना होगा डी थीटा अपॉन डी आर से। अब हमने डी थीटा अपॉन डी आर निकाला था यहाँ पर, ये देखिए, तो इसको हम चेंज कर लेंगे यहाँ पर नहीं है तो, और ये वैल्यू हमारे पास है तो मैं इसको दोबारा कैसे लिख सकता हूँ, या इसको कैसे लिख सकते हैं कि डी एस अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी आर अपॉन डी थीटा, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि जैसे इसको सोल्व करेंगे तो परिणाम हमारा वही आएगा जो हमें चाहिए था। देखो यहाँ से जब मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो इसको जब खोलेंगे दोबारा तो थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, डी आर कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो हमें इन दोनों की वैल्यू लिखनी है, कुल मिलाकर ये करना है हमें यहाँ पर। तो अगली लाइन में मैंने यहाँ पर क्या लिखा डी एस अपॉन डी थीटा, वो तो यहाँ से मुझे प्राप्त हो जाएगा डी एस अपॉन डी थीटा, तो जो कि थोड़ी देर पहले हमने प्राप्त किया था, कहाँ से यहाँ से लिख लो इसको क्योंकि ये छोटा है लिखने में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर सेक एम थीटा, और दूसरा क्या आ जाएगा नेगेटिव का यहाँ से, क्योंकि डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है माइनस का आर टेन एम थीटा, आर से आर कैंसिल, यहाँ से इसको खोला तो ऊपर ये तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये तो बन जाएगा वन अपॉन कोस, तो माइनस का वन अपॉन कोस एम थीटा, और जब इसको खोला तो यहाँ तो लिखेंगे साइन, यहाँ तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि साइन अपॉन कोस होता है तो यहाँ तो आ जाएगा साइन एम थीटा,
और जो कोस है वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस एम थीटा। तो कोस से कोस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का वन अपॉन साइन एम थीटा हमारे पास रिजल्ट के रूप में आ गया, किसके लिए, डी एस अपॉन डी आर के लिए। लेकिन हमने परिणाम को देखा कि हमें परिणाम में डी आर अपॉन डी एस चाहिए था, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको उलट करके लिखता हूँ यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डी आर अपॉन जो डी एस है वो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का साइन एम थीटा। ठीक है, इसको ले लेता हूँ मैं रिजल्ट नंबर 5, यानी मुझे यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, जो मुझे परिणाम में जो चीज़ चाहिए थी, यानी डी आर अपॉन जो डी एस चाहिए था, वो मुझे यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में हम और क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको दोबारा फिर से हम डेरिवेट करेंगे यहाँ पर, किसके सापेक्ष, एस के सापेक्ष, क्योंकि हमें एस के सापेक्ष ही द्वितीय कोटि का अवकलन गुणांक चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर लिखा समीकरण 5 का एस के सापेक्ष अवकलन, तो कर दो इसका एस के सापेक्ष अवकलन। तो एस के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर तो डायरेक्ट रिजल्ट बन जाएगा कि डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर। अब इधर देखिए यहाँ पर साइन का जो भी हो एक बार कर दीजिए, तो क्या कर दिया, कोस एम थीटा कर दिया। फिर जब दोबारा एम थीटा का किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम डॉट डी थीटा अपॉन डी एस, क्या आएगा, एम डॉट डी थीटा अपॉन डी एस हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, एम गुणा के साथ में क्या है, डी थीटा अपॉन डी एस। अब डी थीटा अपॉन डी एस हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे उसकी जगह क्या है, एम अपॉन डी एस अपॉन डी थीटा हमारे पास है यहाँ पर। तो मैंने इसको नीचे लिया है, क्या लिख दिया, डी एस अपॉन डी थीटा। अब डी एस अपॉन डी थीटा तो हमने ज्ञात किया था, उसका परिणाम कितना आया था, डी एस अपॉन डी थीटा का, यहाँ से देखिए, चाहे हम सीधा डायरेक्ट यहाँ से आए तो यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमारे परिणाम को देखते हुए हम लिखेंगे। हमें परिणाम में क्या चाहिए कि सारे पद किसके रूप में चाहिए, आर तथा जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उनके रूप में चाहिए यहाँ पर। ठीक है, किसके रूप में चाहिए, आर तथा जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उनके रूप में चाहिए। तो मैंने इसको यहीं से लिख लिया, डी एस अपॉन डी थीटा, यही परिणाम मेरा काम में हो आएगा, क्योंकि आगे तो फिर क्या आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसमें सेक में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, तो वो तो कोई काम का है नहीं, क्योंकि परिणाम में कहीं पर भी क्या नहीं है, सेक नहीं है। तो कौन सा रूप ले लीजिए, आप यहीं से ले लीजिए, कम से कम यहाँ एक आर तो है यहाँ पर, और सेक को हम चेंज कर लेंगे फिर यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने कौन सा लिखा, ये वाला यहाँ पर, तो मैंने लिखा कि माइनस का एम अपॉन आर सेक एम थीटा यहाँ पर, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब मुझे चाहिए सेक एम थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, क्योंकि सेक एम थीटा बराबर, अब जो sec m थीटा होगा वो यहाँ से किस तरीके से प्राप्त होगा, sec m थीटा के लिए वहाँ से देखिए आप, उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं क्या कि cos को तो ले जाओ किसके नीचे, r की पावर m के नीचे, और r की पावर m को यहाँ ले आओगे तो हमारे पास आ जाएगा sec m थीटा के लिए आ जाएगा a की पावर m अपॉन r की पावर m। देखो यहाँ से यही आएगा ना, क्योंकि cos अब इधर जाएगा तो यहाँ नीचे आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ cos ऊपर जाएगा sec में, ये नीचे आके क्या आ जाएगा, a की पावर m अपॉन आर की पावर एम, यानी sec m थीटा की वैल्यू भी इस तरीके से प्राप्त हो जाती है। तो मैं इसको अगेन लिखूं तो मुझे प्राप्त हो जाएगा माइनस का m अपॉन आर, और sec की वैल्यू मैं यहाँ से उठाकर रखूं तो मुझे प्राप्त हो गई a की पावर m, और जो नीचे वाला रिजल्ट था वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, यानी r की पावर m के रूप में यहाँ पर। इसको मैं और सॉल्व करूँ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा माइनस का m r की पावर m माइनस वन अपॉन a की पावर m, इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो इसको मैं किसके साथ, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर हो गया। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे परिणाम में क्या प्राप्त होगा, हमारे परिणाम में आएगा कि ए की पावर एम डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर, और इधर देखा तो क्या आ गया कि माइनस का एम आर की पावर m 2m माइनस वन, इस तरीके से आ रहा है। अभी तो हमारे पास तो केवल m माइनस वन ही आ रहा है, हमें चाहिए था 2m माइनस वन, तो हमें इसको और देखना होगा कि 2m माइनस वन कैसे। हाँ, इधर देखिए हमने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पर, कि हमने एक पद छोड़ दिया यहाँ पर। कौन सा पद छोड़ दिया, cos m थीटा का पद, हमने केवल इन्हीं को लिया, केवल cos m थीटा रह गया, तो cos m थीटा यहाँ पर भी होगा, cos m थीटा। ठीक है, अब cos m थीटा जब यहाँ पर होगा तो इसके साथ मिलकर वो नीचे आके किसका हो जाएगा, cos m स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू चाहिए थी कोस एम स्क्वायर थीटा की, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से। और जब इसको यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा, देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2m में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2m में। तो यहाँ तो हमें इस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से कि 2m माइनस वन, और यहाँ से क्या हो जाएगा, a की पावर
2m के रूप में, ठीक है, क्या प्राप्त होगा, a की पावर 2m के रूप में। तो यहाँ से मैं इसको लिखूँ तो ये तो मेरे पास आ रहा है 2m-1, और जो नीचे वाला था वो मुझे यहाँ पर चले गया, और यहाँ से क्या मिलेगा 2m a की पावर 2m d2r/ds2। इसको मैं अरेंज करूँ तो मेरे पास हो जाएगा a की पावर 2m d2r/ds2 प्लस इधर आके किसका होगा पॉजिटिव का, तो m गुणा r की पावर 2m-1 और बराबर 0। और यही रिजल्ट हमें यहाँ पर वेरीफाई करना था। हमने क्या कर दिया था, यहाँ इस कोस एम थीटा को जो छोड़ दिया था उसको हमें थोड़ा ध्यान से करना था। तो जैसे इसको मैं अरेंज करता गया तो देखो ये कोस है, इसकी वैल्यू तो हमने लिखी थी डी एस अपॉन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ से आई थी आर सेक थीटा, तो हमने यहाँ लिख दी। लेकिन एक सेक हमारा यहाँ से भी तो बनेगा ऊपर से जो आएगा, तो उसकी वजह से किसमें कन्वर्ट हो गया ये सेक एम थीटा का होल स्क्वायर में, ठीक है। अब जैसे हमने sec m थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू लिखी तो इस तरीके से हमें कैसे मिली, a की पावर 2m/r/2m। तो जैसे हम उसको रखते गए अरेंज करते गए तो हमारा ये रूप आ गया। और शुरुआत में जब हमने लिखा था वास्तव में ये यहाँ पर क्या है, a की पावर 2m है, ठीक है। तो जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो आप क्वेश्चंस को जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे लेते चलिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको उसको समझने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब एक नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अगले क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्व करेंगे वहाँ पर, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और हमें उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है वहाँ पर, ठीक है।